पहले तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से वातावरण यहाँ बनाया गया है और जिस तरह से भविष्य को लेकर बच्चों के लिए चौमुखी प्रगति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। विद्यार्थियों के लिए मूल मंत्र तो एक ही है, अपने लक्ष्य को याद रखें और अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगा दें। जिसने उस पर ऊर्जा लगा दी, निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त। टीएमयू में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये यहाँ बहुत ही नई ऊर्जा वाले युवक हैं, युवतियाँ हैं, बड़े बड़े आँखों में सपने हैं और बहुत कुछ करने का जज्बा भी है। लेकिन बात वही है कि सब जगह आसपास तरह तरह के आकर्षण दिख रहे होते हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो फिर आपको दूर दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर दूर देखना है तो आसपास देखना बंद कर देना चाहिए। आसपास जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो भी सुनना बंद करना चाहिए। मंजिल की आवाज़ सुनाई दे, आसपास के जो दृश्य और आकर्षण है उसके बजाय आदमी को उस तरह याद रखना चाहिए कि जैसे सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो उस समय उनको आउट करने के लिए जो उनके प्रतिपक्षी खिलाड़ी होते थे, चाहे पाकिस्तान के या दूसरे, वो इस तरह की भाषा बोलते थे कि उनका ध्यान भटक गया। लेकिन उसने किसी की गाली का जवाब भी गाली से न देकर अपने बल्ले से दिया, जीत कर दिखाया। अगर आदमी जीत कर दिखाएगा तो ये सबसे बढ़िया जवाब है। और वो आवाज़ जो आसपास जो सुनाई देती है उसने उनसे ध्यान भटकने नहीं दिया। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से अपना ध्यान हटाए और जहाँ लगाना वहाँ लगा ले तो फिर यहाँ आना सफल हो जाएगा। वो उम्मीदें जो माँ बाप ने बनाई हुई है, जो सपने वो लोग बहन देखती है, भाई देखता है, गाँव के लोग देखते हैं, जिस गली और मोहल्ले से चल कर यहाँ पहुँचे, उन सब ने बहुत सारी आशाएं लगा रखी होती हैं। वो सब तभी पूरी होती है जब आदमी एकदम सामने देखे, दूर नज़र लगा कर आस पास बैठकर से बचे। हमारे सुरेश जैन की कुछ तो बात है, जो वो दूसरी बार में यहाँ पहुँचा हुआ, मुझे लगता है एक बार नहीं बार बार ना हो जाएगा। तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।